दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे -5 और +-2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, -5 और -2 को। इसको जोड़ के कितना आएगा, -7। 2 और -5 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के आएगा -3। अब है क्या, -5 + 2 = 2 + -5 है, मतलब क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ, ये दोनों बराबर होगा। इन दोनों को सॉल्व करने पे -3 आएगा और इन दोनों को भी सॉल्व करने पे -3 आएगा, तो मतलब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ। अब देखिए सातवें नंबर में ही है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। ये एक सारणी दी गई है। यहाँ पे आपको जो भी ब्लू पेन से दिख रहे हैं वो मैंने बनाया है, मतलब ये सारे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं जो ब्लू पेन से हैं, जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। तो a + b, b + a क्या a + b = b + a है? a - b है b - a, क्या a - b = b - a है? तो यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया गया था, -6 और +3 है, तो इन दोनों को जोड़ा गया, -6 और +3, दोनों को ऐड करके आया -3, और 3 और प्लस -6 को ऐड करके आया -3, मतलब a + b और b + a बराबर हो गया। तो यहाँ पे है कि a + b और b + a बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहा है, बराबर है। a + b कीजिए या फिर b + a कीजिए, दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। -6 फिर माइनस है, ब्रैकेट में 3 है, तो इसको सॉल्व करने पे -9 आएगा। 3 है, माइनस है, फिर ब्रैकेट में -6 है, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा +9, तो दोनों अलग अलग हो गया, यानी कि a - b = b - a नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख दें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सारणी को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे दूसरे अंक लेके हम सारणी को पूरा कर रहे हैं। -4 और 2 लिया है हमने, -4 और +2, इन दोनों को सॉल्व करने पे -2 आ गया, 2 + -4 है, इसको सॉल्व करने पे -2 आ गया, यानी कि a + b और b + a बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। अब -4 माइनस है, फिर ब्रैकेट में +2 है, इसको सॉल्व करने पे -6 आ गया, और 2 माइनस ब्रैकेट में -4, तो इसको सॉल्व करने पे 6 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a - b = b - a के, तो यहाँ पे हम नहीं लिख देंगे। अब लिया हमने -8 और +5, तो -8 + 5 - 3 = 5 प्लस ब्रैकेट में -8 है, तो -3 आ गया, यानी कि a + b = b + a के, तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। -8 है, माइनस ब्रैकेट में +5 है, 5 माइनस ब्रैकेट में -8, तो इसको सॉल्व करने पे 13 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, a - b = b - a के, तो यहाँ पे हम नहीं लिख देंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक नंबर में है -a + 6 है, तो यहाँ पे 6 बराबर में दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा, ठीक है। -8 है प्लस, यहाँ पे ऐसा क्या देंगे जिससे कि 0 आ जाए, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 8, सिर्फ 8, -8 नहीं देना, सिर्फ 8, +8 देना है, -8 + 8, तो कितना हो जाएगा 0। 2 प्लस, फिर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया है 9 प्लस -6, फिर बराबर में, यहाँ पे देखिए 2 अलग है, 9 और 6 एक साथ है, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर है 9 और 6, और यहाँ पे 2 और 9 एक साथ है, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 15 है, 15 + - 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ही हुआ। अब यहाँ पे 9 नंबर में देखिए, निम्नलिखित को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे हम, -15 + -18, तो इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा -33, ठीक है।
15 और 18 को जोड़ने पे कितना आएगा 33, माइनस 33 हो जाएगा इसका आंसर। माइनस 20 में 17 को, माइनस 20 प्लस 17 तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 20 में 17 जाएगा तो माइनस होगा। हालांकि यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला गया है लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस 3 ही आएगा, यहाँ पे हमने जोड़ ही किया है, ठीक है। प्लस 24 में माइनस 16 को, प्लस 24 है तो यहाँ पे हम सिर्फ 24 भी लिख सकते हैं, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो प्लस 24 को सिर्फ 24 लिख सकते हैं। और माइनस 16, अब 24 में 16 जाएगा, 24 प्लस माइनस 16 है तो ब्रैकेट में हो जाएगा, 24 प्लस ब्रैकेट में माइनस 16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 8। यहाँ पे सिर्फ 8 क्यों आया, मतलब प्लस 8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 24 जो है 24 बड़ा है और 24 का जो साइन है यानी कि 24 प्लस में है, ठीक है, 24 प्लस में है, और 16 जो है वो छोटा संख्या है और इसका साइन माइनस में है। तो जो बड़ा वाला अंक होता है, जो बड़ा वाला संख्या होता है उसका जो साइन होता है वही साइन आता है यहाँ। तो 24 में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आया, प्लस 8 हो गया। माइनस 8 में 5 को, माइनस 8 प्लस 5 तो आ जाएगा माइनस 3। यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है और इसमें माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ गया। और यहाँ पे हमने 8 में से 5 को क्यों माइनस किया, क्योंकि माइनस और प्लस को गुणा करने पे कितना होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए 8 में से 5 को हमने माइनस किया तो 3 आया, और ये बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब है निम्नलिखित को घटाइए, माइनस 15 में से माइनस 5 को, ऐसे लिखेंगे माइनस 15 माइनस 5 को घटाना है, तो इसको घटाने के बाद में आ जाएगा माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 25 में से माइनस 75 को, तो 25 में से हम माइनस करेंगे 75 तो आ जाएगा 100। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 25 और 75 को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, 100 हो गया। माइनस 8 में से माइनस 16 को, माइनस 8 में से माइनस 16 को, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 8। 10 नंबर में एक और क्वेश्चन था, माइनस 20 में से माइनस 18 को, तो माइनस 20 में से माइनस 18 करना है तो इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 2। 11 नंबर में निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए, तो पहला है क्रम विनिमय नियम। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ले लेते हैं माइनस 8 प्लस 10 बराबर 10 प्लस माइनस 8, तो ये क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम। इसके अलावा भी हम और दूसरा भी अंक लेके इसका उदाहरण दे सकते हैं। अब सहचर्य नियम है, तो सहचर्य नियम में माइनस 7 ले लेते, माइनस 7 और 8 और प्लस 9, माइनस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो आपको आंसर में हो सकता है कुछ और मिले, कोई और आंसर मिले, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसका कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं, क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम। फिर है संवरक नियम, संवरक नियम का क्या हो जाएगा, माइनस 7 हम ले लेते हैं और ले लेते हैं 10, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। योज तत्समक, तो इसके लिए 8 प्लस 0 ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा। तो ये सब हो गए क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, संवरक नियम और योज तत्समक के उदाहरण। 12 नंबर में है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग माइनस 8 है, तो यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख रहे हैं इस तरह से हमें लिखना है। माइनस 8 कैसे आएगा, ऐसी कौन सी संख्या को हम जोड़ें जिससे कि माइनस 8 आ जाए,
तो ठीक है, हम लेते हैं माइनस दो और प्लस माइनस छः, तो आ जाएगा हमारा माइनस आठ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, माइनस दो प्लस माइनस छः। अब अंतर है, अंतर 18 है, तो दो 18 है तो दो में हम 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 18। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो माइनस 20। योग जीरो, योग जीरो है तो इसके लिए माइनस 5 करते हैं, और सॉरी माइनस 5 माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, और फिर माइनस फिर 5, तो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा हम दूसरी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे देखिए माइनस 2 को भी हम लेंगे, माइनस यहाँ देंगे फिर माइनस देंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, इसके जगह पे इसका और भी आंसर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आंसर बुक में मिले या फिर आप यही आंसर लिखें, इसके अलावा भी इसके और भी आंसर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।